हमारे थिंक टैंक न तो ड्रैगन को धमकी दे रहे हैं और न ही चीनियों की तरह अपने खतरनाक हथियारों का बखान कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। भारतीय सेना ने तिब्बत में चल रहे चीन के युद्धाभ्यास की काट के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आज से भारत, जापान और अमेरिकी नौसेना मालाबार में संयुक्त अभ्यास शुरू कर रही है। यह युद्धाभ्यास 7 जुलाई से शुरू होगा और 17 जुलाई तक चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी बीते दिनों जब व्हाइट हाउस गए थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अभ्यास का जिक्र बाकायदा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। मालाबार युद्धाभ्यास में बड़ी संख्या में भारत, जापान और अमेरिकी विमान, नौसेना की परमाणु पनडुब्बियां और नौसैनिक पोत हिस्सा लेंगे। भारत और अमेरिका साल 1992 के बाद से नियमित रूप से यह वार्षिक अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन इस बार का सैन्य अभ्यास अभूतपूर्व होगा। इसे अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बताया जा रहा है। पुर्तगालियों ने वहां कई व्यापारिक चौकियां बनाई थी और 17वीं शताब्दी में डच तथा 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी भी इसी रास्ते आए। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मालाबार तट में अब केरल राज्य का अधिकांश हिस्सा और कर्नाटक का तटीय क्षेत्र शामिल है।